हे गाइस, वेलकम बैक। हम सभी आज जिस सिचुएशन में हैं, जिस भी महामारी से सफ़र कर रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम सभी उस बारे में जानते हैं। एज ऑफ टुडे यानी कि 13 मई 2020 तक कोई भी डायरेक्ट मेडिसिनल क्योर यानी कि कोई भी मेडिसिन इसकी अवेलेबल नहीं है, एंड होपफुली बहुत जल्दी आ जानी चाहिए। लेकिन जब तक नहीं है तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग में रखें, दूसरों से अपने आप को बचा सकें। उसके लिए कुछ अच्छे तरीके हैं, जैसे कि अगर आप इन केस किसी से क्लोज में डिस्टेंस से इंटरेक्ट करते हैं तो मास्क पहनना काफ़ी ज़रूरी है। और मास्क को लेके गाइस मैं आपसे बात करूं तो पिछले इस कुछ महीनों मैंने बहुत सारे मास्क ट्राई किए, तो ज़्यादातर मास्क में प्रॉब्लम मुझे ये लगी कि इन केस आप इसको पहनते हैं तो फर्स्ट थिंग कि वो कंफर्टेबल नहीं होते, यानी कि अगर आप इसको पहनते हैं तो आपके ये ईयर्स में फील होने लगते हैं, यानी कि इलास्टिक काफ़ी टाइट होते हैं। एंड सेकेंड प्रॉब्लम जो मैंने नोटिस की कि जो यहाँ पर होता है, जिस पे आपके नोज़ पे वो होते हैं, तो वहाँ पे भी थोड़ा सा ज़्यादा खिंचाव आ जाता है, क्योंकि वहाँ पे कोई ऐसा प्लास्टिक का नहीं लगाया जाता बैंड जो यहाँ पे प्लास्टिक एंड प्रोटेक्शन लगी है, तो वो थोड़े से लूज जाते हैं या काफ़ी टाइट होते हैं। तो कई मास्क मैंने ट्राई किए तो मुझे कोई मास्क बेस्ट नहीं लगा। फिलहाल जो मास्क मैं यूज़ कर रहा हूँ, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वो परचेज कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट ये भी है कि आप अपने पास एक थर्मामीटर रखें, इंफ्रारेड बेस्ड थर्मामीटर, इन केस आपसे मिलने कोई आता है तो बहुत ज़रूरी है कि आप उस व्यक्ति का टेम्परेचर चेक करें कि क्या उसमें कोई ऐसे फीवर के सिम्टम हैं कि नहीं है, क्योंकि इसे कुछ कॉमन सिम्टम होते हैं इस वायरस के। आप ये सोच रहे हैं कि इस नॉर्मल हीट गन जो आती है उसके थ्रू आप बॉडी के टेम्परेचर निकाल सकते हैं, तो ये आपके आइज़ को और स्किन को नुकसान कर सकती है। एक स्पेशल थर्मोमीटर आता है, जैसे आपके सामने ये है, तो ये थर्मोमीटर मैंने स्पेशली दो मेन पर्पज़ के लिए मंगाया है। ऑब्वियसली फैमिली की सेफ्टी ज़रूरी है। तो एज ऑलवेज गाइस, हम अपने इस चैनल पे सिर्फ ये नहीं चेक करते हैं कि एक गैजेट वर्क कैसे करता है, उसकी फंक्शनलिटी क्या क्या, हम ये भी देखते हैं कि गैजेट इनसाइड से वर्क कैसे करता है। यू नो, फिजिकली तो हम देखते हैं कि हाँ ये टेम्परेचर मेजर करती है, अगर मैं 2 सेकेंड तक अपनी बॉडी पर रखता हूँ तो टेम्परेचर ये बॉडी का दिखा देता है। इनकेस आप नहीं जानते ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, ऑन एन एवरेज 36.5 से 37.5 डिग्री में, अभी मैं इंडोर में हूँ, एक कंडीशन में थोड़ा टेम्परेचर बॉडी का मेरे कम दिखाएगा, लेकिन अगर आपके पास थोड़ा सा फीवर या किसी को कुछ है तो 37.5 से वो 1 डिग्री प्लस होगा, तो आप आसानी से पता लगा सकते हैं। तो फिलहाल ये गन भी मैं यूज़ कर रहा हूँ और आसानी से आप बॉडी का टेम्परेचर निकाल सकते हैं। आपको बस 2 सेकंड तक यहाँ पर प्रेस करना है और वो आपकी बॉडी का टेम्परेचर बता देगा। आप लॉग्स भी यहाँ पर देख सकते हैं, लास्ट 10 लॉग्स की कितने टेम्परेचर आपकी बॉडी निकला, तो ऑलवेज 36 के अराउंड रहता है, मैं 36-37 के बीच में, यानी कि मैं परफेक्टली ओके हूँ। और गाइस, चलिए देखते हैं इंटरनली ये गन कैसे काम करती। किसी भी गैजेट को ओपन करने से पहले सबसे फर्स्ट उसको फिजिकली इंस्पेक्ट करना चाहिए। तो क्लोजली यहाँ पे देखने पर पता चलता है एक छोटा सा स्क्रू यहाँ पे है, और ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि यहाँ पे भी कोई स्क्रू हो, तो ये भी ज़रूरी है देखना यहाँ पे इनकेस कोई हिडन स्क्रूज तो नहीं है। यहाँ पे कोई स्क्रू नहीं है, इसको हम वापस लगा देते हैं और इस तरह देखें तो ये इसका कटआउट बना है। यहाँ से बैटरीज जो आप निकाल लेंगे और ये आप लाइन देखेंगे, इसका मतलब ये है कि ये पार्ट 2 सेपरेट पार्ट है, और चूंकि यहाँ पे कोई कट नहीं है यानी कि ये पार्ट अलग से लगाया गया है, तो पहले हम इस स्क्रू को ओपन कर लेते हैं। बैटरी कवर, हार्ड प्लास्टिक लॉक लगे यहाँ पे, जिस वजह से ये स्पेशली पार्ट बाहर नहीं आ रहा था। तो उसका क्विक वे मैंने क्या किया, मैंने बस इसको ऐसे धीरे से ऐसे लिफ्ट किया और प्रॉपरली ये आपका बाहर आ गया। ये बड़े बड़े आप यहाँ पे लॉक्स देख रहे हैं, ये यहाँ पे फिट थे जिसकी वजह से ये बाहर नहीं आ पा रहा था। गुड डिज़ाइन चॉइस, अदरवाइज अगर ये लूज़ होता तो ये आसानी से बाहर आ जाता, इसलिए कुछ ऐसा सिस्टम यहाँ पर बनाया गया है। ओके, एंड ये इसका बटन है जो बाहर आ चुका है, और एक स्प्रिंग है जिसकी वजह से जैसे आप इसको प्रेस करते हैं तो ये बाहर आ जाता है। इंटरनली कुछ ऐसे ये थर्मामीटर ऐसा दिखता है, और सभी पार्ट्स को हम बाहर निकालते हैं। एक छोटा सा स्क्रू है एंड एक प्लास्टिक का डिस्प्ले भी है। टोटल 2 स्क्रूज यहाँ पर दिए गए हैं, एंड ये इसका इंफ्रारेड गन है और इंफ्रारेड डिवाइस है जो आपके शरीर की टेम्परेचर को मेजर करती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं TM-TP- यानी कि जो टेम्परेचर की रेंज दे रखी है, मिनिमम मैक्सिमम कुछ ऐसे होगा,
कि वर्जन 1 चिप है, यानी कि इस तरह की स्टैंडर्ड चिप कोई थर्ड पार्टी कंपनी मैन्युफैक्चर करती होगी और जहाँ से ये टेम्परेचर मेजर होता है। और एक सिंगल सी यहाँ पे मेन पीसीबी है, सिंगल चिप है, और ये आपके बटन से कंट्रोल है जो यहाँ पे जाते हैं। ये मेन बटन है और ये सेट था और ये प्लस एंड माइनस है। टोटल 3 सर्किट्स यहाँ पे है। और अगर हम इसको क्लोजली देखें, यहाँ पे कुछ अलग क्या है, ये स्पीकर है जिसके थ्रू आपको यहाँ से ये आवाज़ आती है, और ये इसका बटन है जो ये जो बटन है ये इस पे यहाँ पे प्रेस होता है। आईसी लगाई गई है एंड आफ्टर दैट डिस्प्ले यहाँ से कनेक्ट होता है। डिस्प्ले के भी कुछ और कनेक्टर्स हैं, मैं इन डिस्प्ले कनेक्टर्स को भी निकालने की कोशिश करता हूँ जहाँ से ये डिस्प्ले पार्ट जुड़ा हुआ है। ये इसका छोटा सा LCD डिस्प्ले है, डिस्प्ले में जो भी प्रिंट होते हैं वो इसके थ्रू आपको दिखते हैं, और उसके टॉप पे एक प्रोटेक्शन यहाँ पे लगाया जाता है ताकि उस पर कोई स्क्रैचेस ना लगें। और जो ये देख सकते हैं PCB पे, एक्चुअली ये लेआउट फिक्स है। जब ये यहाँ पे ऐसे आती है डिस्प्ले, इसका यहाँ पे आता है तो किस तरीके से यहाँ पे नंबर जो प्रिंट होंगे उसका यहाँ पे टोटल यहाँ पे देख सकते हैं सर्किट बना हुआ है। कुछ इमोजीज आते थे, यहाँ पे बैटरी इंडिकेटर है, ये इसका वॉल्यूम इंडिकेटर है, ये टेम्परेचर यहाँ पे आता है, एंड जो भी फंक्शन है जैसे भी यहाँ पे आएंगे वो एग्जैक्टली दिखे हुए हैं, यानी कि इस LCD से इसके डिस्प्ले का भी कंट्रोल होता है एंड ये ICs उसे उसको कंट्रोल करती होंगी। एंड सम चाइनीज़ है, यानी कि ये मेड इन चाइना या बना हुआ है, चाइनीज़ टैक्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, कोई खास मेजर कंपोनेंट नहीं होगा। 10 मार्च 2020 को ये बना हुआ है, यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कब का ये मैन्युफैक्चर्ड है। जनरली PCBs पे ये लिखा नहीं होता, बट यहाँ पे डेट भी मेंशन की गई है। क्वाइट सिंपल है गाइस, चलिए मैं इसको दोबारा रीअसेंबल करता हूँ। फर्स्ट हमें डिस्प्ले दोबारा पुट पैक करना होगा जहाँ से हमने इसको निकाला था, कि बहुत ही ज़रूरी होता है जिस ऑर्डर में आप इसको निकालें उसी ऑर्डर में आप दोबारा इसको सील भी करें। डिस्प्ले स्क्रूज टू टाइट हो गए हैं, अब इसको हम वापस फिक्स करते हैं जहाँ जहाँ पे ये था। नाउ नेक्स्ट है ये जो कंट्रोल बटन्स यहाँ पे जो लगे हुए हैं इनको भी सही जगह पे पुट करना है। अब सेट पार्ट यहाँ पे है तो सेट पार्ट भी ऐसे आना चाहिए। बटन्स भी टाइट हो गए हैं। नेक्स्ट है ये जो IR पोर्ट हमें फिक्स करना है, इसके लिए भी एक डायरेक्ट यहाँ पे फिक्स सॉकेट लगाया गया है, ये भी यहाँ पे प्रॉपरली फिक्स हो गया है। इस ट्रिगर का भी लॉजिक काफ़ी सिंपल है, आपको ये इस तरीके से फिक्स करना पड़ेगा कि ये यहाँ से प्रेस हो। अब ये जो बटन यहाँ पे आप देख रहे हैं इस बटन को एक्चुअली प्रेस करना होता है तब ये काम करता है। नाउ पॉइंट ये है कि ये ऑलवेज वहाँ पे टच ना रहे, इसलिए यहाँ पे एक छोटी सी स्प्रिंग लगाई गई है। वो स्प्रिंग आपको यहाँ पे जानी है फर्स्ट, ये स्प्रिंग यहाँ पे रहेगी और देन आप इसको देखेंगे। अब ये ऑलवेज स्प्रिंग इसको प्रेस करेगी, ये ऑलवेज बाहर रहेगा, जैसे आप इसको प्रेस करते हैं ये वहाँ पे टच होगा, और जैसे आप लूज़ करेंगे तो स्प्रिंग का जो यू नो रिवर्स फोर्स लगता है वो उस बटन को बाहर कर देगा। क्वाइट सिंपल है। एंड ये स्पीकर यहाँ पे छोटा सा टाइनी स्पीकर है जो वॉल्यूम करता है तो यहाँ पे जाता है, बट इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि ये यहाँ पे प्रॉपरली फिक्स है। ऑल सेट। ये लॉक मैकेनिज्म का सिस्टम काफी अच्छा होता है एंड गलती से मैं ये लगाना भूल गया, जो ये यहाँ पे बैटरी का जो लॉक है प्लास्टिक का होता है, अच्छा होता है बट एक बार टूट गया तो शायद जल्दी काम नहीं करता है। थर्टी यानी कि ये थर्मोमीटर परफेक्टली काम कर रहा है। तो दैट्स इट गाइस, काफ़ी छोटा सा ये एक टेयर डाउन था, बट आई होप इट्स इंटरेस्टिंग कि कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है, स्पेशली ये बटन और ये IR गन छोटी सी कैसी होती है
एंड छोटा सा डिस्प्ले जो आप शायद ना ही देखें कि आज के ज़माने में किसी स्मार्टफोन में, बट इनिशियली ऐसे ही डिजिटल डिस्प्ले आते थे। तो थैंक यू सो मच गाइज आज के इस टीयर डाउन को देखने का, एंड स्टे होम स्टे सेफ।